नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल राज ग्रीन गार्डन में। दोस्तों, ये रहा हमारा सदाबहार का पेड़ जो हमने नीचे मिट्टी में लगा रखा है। अभी इसमें ज़्यादा फ्लावर्स नहीं है क्योंकि मैं इसको घना बना रहा हूँ। जब ये ज़्यादा घना हो जाएगा तब इसमें बहुत सारे से फ्लावर्स निकलेंगे, तब ये बहुत अच्छा लगेगा। सदाबहार है, देसी में सालों के साल फूल रहते हैं, और एक हाइब्रिड होता है जो हाइब्रिड में सिर्फ जो है ठंड में फूल रहते हैं बस। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने पौधे में कैसे बहुत सारे फूल ला सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा एक ही पौधा है, आपको बहुत सारे पौधे लग रहे होंगे पर ये एक ही पौधा है। आप अगर चाह रहे हैं कि बहुत सारे इसमें फ्लावर्स आएँ तो आपको इसको पहले घना बनाना है। घना बनाना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊँगा। आप एक ब्रांच, जैसे ये है, ये जो पत्तियां हैं, पत्तियां के ऊपर से इसको पिंचिंग करनी है, यूँ इस तरह से पिंच कर देंगे। तो देखिए, यहाँ ये पत्तिये के ऊपर से नई ब्रांचेस निकलेंगी दो। यहाँ से जब दो ब्रांचेस निकलेंगी तो आप उन ब्रांचेस की पिंचिंग करनी है। इस तरह आपका पौधा घना होता जाएगा और बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे। नया पौधा लाएं तभी से पिंचिंग करना स्टार्ट कर दें। जब छोटा सा हो तभी पिंचिंग करना स्टार्ट करेंगे, तभी ऐसा घना हो सकता है और बहुत सारे फ्लावर्स निकल सकते हैं। तो आइए अब फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं, जो हमको इसमें इस्तेमाल करना है, जो यूज़ करना है, क्या क्या डालना है। हमें इसमें फर्टिलाइज़र कौन सा यूज़ करना है, हमको लेना है 10-12 दाने DAP के, जो दाने वाली होती हैं। 10-12 दाने DAP आप इसमें डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, हर 15 दिन पे डालते रहें। अगर बात करें पैसों की तो ये मार्केट में लगभग के 25 रुपया किलो की मिल जाएगी। एक प्लांट अगर 6 से 7 महीने तक चलता है, हमें करीब 14 से 12 बार डालना पड़ेगा। 12 से 14 दिन तक अगर हमें डालना पड़ता है तो ये लगभग हमें जो है 15 दिन पे 1 रुपये का खर्चा आएगा। आपको फर्टिलाइज़र देने के बाद पानी दे देना है। पानी से क्या होता है कि जल्द से जल्द अच्छी ग्रोथ आएगी। आपको ये भी ध्यान देना है जो आपके पास DAP है वो असली है या नकली है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे नकली भी प्रोडक्ट आए हुए हैं। अगर आपको पहचान करनी है कि असली कौन सा है तो थोड़ा सा 2-4 दाने हाथ में लीजिएगा और हाथ की मुट्ठी बंद करिएगा। तो बंद करने के बाद उसमें हल्का हल्का सा पानी हथेली पे आ जाएगा, तो वो समझ लेना असली है, वही लीजिएगा। एक चीज़ की और ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये तो हमारा देसी, अगर आप हाइब्रिड लगा रहे हैं तो उसमें पौधे के ऊपर से पानी मत दें, क्योंकि पौधे के ऊपर से पानी देंगे तो वो झुलस सकता है और पत्तियां उसकी ख़राब हो सकती हैं। तो डायरेक्टली गमले में ही पानी डालें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो हमने जो फर्टिलाइज़र यूज़ करने को बताया है तो सदाबहार में आप वही यूज़ करें। नमस्कार, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।